नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सीएम अशोक गहलोत का किसानों को बड़ा तोहफा, 1,00,000 किसानों को तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान। राजस्थान सरकार प्रदेश के 1,00,000 किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान जो है वो देगी। इस पर 444 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के खर्चे पर होंगे। वह सीएम अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी है। वह सीएम ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त निलंबित प्रार्थना पत्र को यहाँ पर 2 वर्षों में निरस्तांतरित करने की दृष्टि से सहमति यहाँ पर दी है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में किसानों को, जो किसान जो है उनके यहाँ पर जोत के आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा जो है 0.50 हेक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बारिश और आंधी ने गिराया है राजस्थान का तापमान, आज फिर से बढ़ सकती है गर्मी। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। पूर्वी राजस्थान में हवा में नमी जो है बढ़ गई है। वही कल जो है सीकर, दौसा समेत प्रदेश के कई शहरों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। वही रविवार दोपहर के बाद तेज हवा के साथ आंधी का दौर शुरू हुआ। वही देर रात तक ही जारी रहा। वही मौसम विभाग ने आज से 26 तारीख तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। वह इस दौरान 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जो है राजस्थान के अंदर जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई कई मेघगर्जन के साथ बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि 2 दिन 27 और 28 अप्रैल को एक नया तंत्र जो है सक्रिय हो रहा है। इसे आंधी और बारिश की गतिविधियां में राजस्थान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद मई के पहले सप्ते में मेघगर्जन और तेज हवा के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वही आंधी और बारिश का जो असर है वो राजस्थान के तापमान पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के किसी भी हिस्से में तापमान 40 डिग्री तक नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा तापमान जो है प्रदेश में बांसवाड़ा का 39.5 डिग्री दर्ज किया गया। वही प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जो है 25.9 डिग्री सेल्सियस रात का बांसवाड़ा में ही दर्ज यहाँ पर किया गया है। वही प्रदेश में सबसे कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अलवर में दर्ज किया गया। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेगरिया हनुमानगढ़ में दर्ज यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ। इन 10 योजनाओं को लाभार्थियों से जोड़ने की है तैयारी। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को जन कल्याणकारी योजना है उनसे जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल यानी आज से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैंप आयोजित होगा। उन्होंने कहा है कि कैंपों में 10 जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ आमजन को मिलेगा। इससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। सीएम सुबह 10 बजे आज जो है सांगनेर ग्राम पंचायत के महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे। वह सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन को उनके अधिकारों और योजनाओं की उनकी बाध्यता की पूरी जानकारी यहां पर देकर जागरूक करने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैंप में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वही सीएम गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश का कोई भी यहां पर जरूरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित ना रहे। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। वे महंगाई राहत कैंप के जरिए पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर यहाँ पर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वही इन 10 योजनाओं के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो बता दें आपको कि राज्य सरकार द्वारा कैंपों में आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि आधिकारिक जो मतलब अधिक से अधिक लोग जो है उनको राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। वही इसमें 10 योजनाओं को यहाँ पर प्रदेश के लोगों को जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये सिलेंडर और निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली और मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत जो कृषि उपभोक्ता उनको 2000 यूनिट हर माह यहाँ पर फ्री बिजली देना। उसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने अन्नपूर्ण फूड पैकेट जो है उपलब्ध कराना। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा जो है इसके अंदर 100 दिन पूरा होने के बाद उन परिवारों को 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का काम पूरा कराना। इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात यहाँ पर कही गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो राशि है उसको 25 लाख रुपए इसमें किए जाएंगे और इसके अलावा दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख
जो है उसको अब 10 लाख किया जाएगा। उसके अलावा कई तरह की योजनाओं का यहाँ पर सरकार की ओर से इस ये जो महंगाई राहत कैंपेन में सरकार की ओर से यहाँ पर लोगों को राहत दी जाएगी।